सोनिया गांधी की सहमति के बाद शरद पवार ने फिर बढ़ाया सस्पेंस। क्या महाराष्ट्र में सरकार गठन पर डबल गेम खेल रहे हैं शरद पवार? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हरी झंडी मिलने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के बीच गठबंधन की स्थिति अब धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। दोनों दलों के नेता बैठ के कर सरकार के स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मीडिया के सामने फिर से कुछ ऐसा कह दिया जिससे एक बार फिर से सस्पेंस बढ़ गया है। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जब एनसीपी चीफ शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी बताने लायक नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शरद पवार ने इस तरह से बयान दिया। महाराष्ट्र की सियासत के चतुर खिलाड़ी कहे जाने वाले शरद पवार की गिनती देश के घाग नेताओं में होती है। कहा जाता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कब कौन सी सियासी चाल चल दे इसका अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल होता है। इसकी पुष्टि शिवसेना नेता संजय राउत के उस बयान से भी होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। इससे पहले भी जब शरद पवार कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पहुंचे थे तो माना यही गया कि इस बैठक में महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन बैठक के बाद पवार ने जो कुछ कहा उससे प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही शिवसेना को जोर का झटका लग गया। इसके बाद प्रदेश में शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनाने की उम्मीदें धूमिल होती दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, पवार के मुंबई से दिल्ली आने पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि प्रदेश में शिवसेना की सरकार बनाने के कितने चांस हैं, तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता और ये सवाल बीजेपी शिवसेना से पूछे जाने चाहिए। वहीं सोनिया से मुलाकात के एक दिन बाद पवार ने संसद भवन में पीएम मोदी से मुलाकात कर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हलचल बढ़ा दी। इस मुलाकात के बाद प्रदेश में एक बार फिर से नए समीकरणों खासकर एनसीपी के डबल गेम की चर्चा होने लगी और अब उन्होंने अपने इस ताजा बयान से एक बार फिर सस्पेंस बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर शरद पवार सरकार गठन को लेकर डबल गेम क्यों खेल रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वाले की रिपोर्ट।